तीन जन्मों के लिए भगवान से दूर रहना है, तो बहुत दुख का समाचार है जय विजय के लिए। मगर जय विजय कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं कुमार के साथ? नम्रता से, नम्रता से व्यवहार करते हैं, क्षमा मांगते हैं, चरणों पे गिरते हैं और ऐसे वो नम्रता से वो वहाँ पे व्यक्त करते हैं अपना फीलिंग्स। तो भगवान भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैसे ही भक्त को भी अन्य भक्तों के साथ अगर वो कटु वचन भी बोलेंगे तो भी हमको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखिए अनुवाद बोलते हैं, दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से अलौकिक अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वो मुझे मोह लेते हैं। अगर आपको भगवान का हृदय मोह लेना है तो क्या करना है? अगर कोई भक्त कटु वचन भी बोलता है तो उनके साथ अमृत तुल्य हंसी से, वी शुड स्माइल एट देम, अमृत तुल्य हंसी से और हृदय पुलकित रहते हुए मन में मतलब संतोष हर्षित होके, तुष्यत हृदय, मन में हर्षित होके अमृत तुल्य हंसी से और कमल मुखों से, राइट। जैसे कमल, खिला हुआ कमल, इधर बोलते हैं स्मित सुद उक्षित पद्म वक्त्राः, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुद्रमैया की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्री लक्ष्मण सिंह के भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। स्मित सुधा उक्षित पद्म वक्त्राः, जो कमल खिला हुआ है तो कैसे दिखता है? पूरा ओपन कमल, ऐसा नहीं ऐसा हुआ कमल। तो ऐसे हमको भी खिले हुए मुख से दांत दिखना चाहिए ऐसे उनके साथ स्माइलिंग करते हुए और मीठे मधुर वचन बोलना चाहिए। वाण्य अनुराग कलया, जो वाणी है अनुराग कलया, इट शुड बी फुल ऑफ अफेक्शन एंड लव, से प्रेम से उनसे मीठे मीठे बातें करते हुए हमको उनको शांत करना चाहिए, जैसे यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। पांच चीज़ें क्या है? पहला है कि उनका ये ब्राह्मणा मई धिया क्षिपितो, क्षिपितो मतलब कटु वचन जिसके ऊपर बोला गया है उसको क्षिपितो अर्चयंत, उनका पूजा करना चाहिए। पहला चीज़ है पूजा करो उनका, अर्चयंत। दूसरी बात क्या है? मई धिया, उस ब्राह्मण को या डिवोटी को भगवान की तरह मानना चाहिए, मई धिया, ट्रीट हिम और कंसिडर हिम टू बी माई एक्सपेंशन, राइट। वैसे समझना चाहिए, भक्तों को भगवान से अलग नहीं देखना चाहिए, हमेशा भक्तों को भगवान से भगवान के संबंध में देखना चाहिए, राइट। सो और तुष्य हृदय, संतृप्त हृदय से, खिले हुए मुंह से, स्मित सुधा ईक्षित पद्मवक्त्रा, स्माइल करके मीठे वचन बोलना चाहिए। तो ऐसे पांच चीज़ें हैं, पहला है उनकी पूजा करो, दूसरा है उनको भगवान की तरह मानो, तीसरा है संतुष्ट हृदय से, कोई विदाउट कैरिंग एनी ग्रज, हृदय में कोई घृणा नहीं रखते हुए उनके उनको स्माइल करना चाहिए और मीठे वचन मधुर वचन बोलना चाहिए। ये पांच चीज़ें हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसे ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करते हैं, करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है। या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूं, इसे दो उदाहरण भगवान बोलते हैं। जैसे पिताजी अगर बच्चे के ऊपर क्रुद्ध हो गए हैं तो बच्चा क्या करता है, राइट। पिताजी से वो भी कठोर वचन नहीं बोलता है, नहीं बोलना चाहिए, राइट राइट। मीठे वचनों से पिताजी को शांत करते हैं, तो एक उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण है, मैं जैसे आपके साथ व्यवहार कर रहा हूँ,
आपने मेरे भक्तों को श्राप दिया, मैं आपको इतने मीठे वचनों से बोल रहा हूँ, वैसे ही आपको भी मीठे वचनों से भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है कि भगवान वैष्णव एटिकेट क्या होता है वो खुद यहाँ पे बता रहे हैं। वैष्णवों का जो सदाचार कैसे होता है वो यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं। खुद ऐसा नहीं कि बोल रहे, खुद सिखा रहे हैं। कैसे कैसे मीठे वचन बोले देखिए, कुछ मैं ब्राह्मण के मुख से ही खाता हूँ, ब्राह्मण मेरे अंग है। राइट, पिछले श्लोक में क्या बोला प्रो भगवान ने, ए मे तनुर द्विजवरान दुहिति दुहतीर मदीया, ये जो गाय है ये ब्राह्मण है वो मेरे शरीर की अंग है। राइट, दुहतीर मदीया भूतानी अलब्ध शरणानी च वेद बुद्धिया, और जो अलब्ध शरणानी जो जो वीकलिंग्स है सोसाइटी में, जैसे स्त्री है, वृद्ध व्यक्ति है, या गाय है, या बच्चे हैं, या स्त्री है, तो ऐसे जो पांच जो अबला व्यक्ति है उनको शरण देना चाहिए, उनको मेरी तरह मानना चाहिए, मेरे कनेक्शन में देख कर कनेक्शन के साथ देखना चाहिए। ऐसे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं एस्पेशली ब्राह्मणों को। राइट, तो ब्राह्मणों को या भक्तों को भगवान बहुत ऊंचा स्तर यहाँ पे दे रहे हैं। राइट, तो इसके उदाहरण भी प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि नारद मुनि ने नलकुवर और मणिग्रीव को शाप दिया कि आप वृक्ष के रूप में जन्म लेंगे धरती पे। तो नलकुवर मणिग्रीव रिटर्न शाप नहीं दिए, उन्होंने मान लिया, ठीक है जो आप हमने गलती किया तो हम आपका शाप स्वीकार करते हैं और हम धरती पे जन्म लेंगे, वृक्ष बनेंगे ऐसे। राइट, और दूसरा उदाहरण देते हैं यहाँ पे जय विजय, देवी जो को भी शाप मिला धरती पे जन्म लेने का, तीन जन्मों के लिए राक्षस योनि में जन्म लेने का, फिर भी वो लोग उनको उनके पास ताकत था कि वो कुमारों के कर्ज को न्यूट्रलाइज करे या उनको शाप दे, उनको उतना भी शक्ति है उनके पास, फिर भी क्या हुआ नहीं किए, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भक्तों का स्वभाव नहीं है, तो शाप नहीं दिया उन्होंने। राइट, ऐसे और भी उदाहरण हैं जो भागवत से हम देख सकते हैं। राइट, चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज को जब शाप मिला महान वैष्णवी से, जो दुर्गा माता है, उन्होंने शाप दिया, तो चित्रकेतु महाराज का व्यवहार कैसा था हम एक दो श्लोक पढ़ेंगे। ये छठा स्कंद 6:17-17, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6:17-17 में कि चित्रकेतु महाराज क्या बोल रहे हैं माता पार्वती को। चित्रकेतु बोलते हैं माय डियर मदर, विथ माय ओन हैंड्स फोल्डेड टुगेदर आई एक्सेप्ट द कर्स अपॉन मी, मैं हाथ जोड़ के आपका जो शाप है मैं सर के ऊपर स्वीकार करता हूँ। आई डू नॉट माइंड द कर्स फॉर हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर गिवन बाय द डेमिगॉड्स एज अ रिजल्ट ऑफ वंस पास्ट डीड्स। राइट, देवे मर्त्याय यत् प्रोक्तम पूर्व दिष्टम ही तस्य तत्, जो पूर्व जो कर्म है मैंने जो किया था वो पूर्व कर्मों के अनुसार मुझे सुख दुख मिलता है। राइट, तो मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूँ। अगर मुझे शाप मिलना था तो निश्चित था कि मिलना है भगवान की आज्ञा से, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ये शाप को मैं भगवान की कृपा की तरह मानता हूँ, ऐसे बोलते हैं। राइट, तो अगर ये शाप जो था उनको शाप मिला था कि आप असुर योनि में जन्म लिया, अभी 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 संकर्षण भगवान को देख के चित्रकेतु महाराज विद्याधरों के राजा बने, विद्याधर लोक के राजा बने, और वहाँ पे भगवान का कीर्तन करते करते वो विमान में चल रहे थे, विमान में विद्याधर स्त्रियों के साथ कीर्तन करते करते वो आसमान में उड़ के आ रहे थे,
और पार्वती को देखते हैं, शिव जी को देखते हैं, शिव जी प्रवचन दे रहे हैं, पार्वती साथ में उनके जंगा के ऊपर बैठ के बैठे हैं और महान साधु संतों को शिव जी भागवत सुना रहे हैं। तो ये दृश्य को देखा उन्होंने, तो दृश्य को देख के हंसे, वाह शिव जी क्या है, आप ही कर सकते हैं। उनका हंसने का मतलब ये था कि शिव जी महान हैं, आप ही ऐसे कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो मगर पार्वती गलत समझ गई, उन्होंने समझा कि मेरे पति के ऊपर हंस रहा है और उनको शाप दे दिया कि आप असुर योनि में जन्म लेंगे, तो अगले जन्म में वृत्रासुर बनते हैं। मगर उनका मानसिक स्थिति कैसा था आप यहाँ पे देखिए, और वो बोलते हैं संसार चक्र एतेस्मिन् जंतुर अज्ञान मोहितः भ्राम्यन् सुख दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा। ये जो जंतु है, जीवात्मा, ये अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख भुङ्क्ते सुखम च दुःखं च वो भोगता रहता है, राइट। अज्ञान मोहितः, क्योंकि वो अज्ञान में है, अज्ञान से वो भगवान को भूल गया है, तो पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म भी करता है, तो पाप और पुण्य का जो सुख और दुख है वो उसको मिलना ही है। तो मुझे भी ये दुख मिल रहा है, तो मैंने कुछ किया होगा पहले, तो उसका वो नतीजा है, ये शाप है। तो सो देयरफॉर माय डियर मदर, नेदर यू नॉर आई एम टू ब्लेम फॉर दिस इंसिडेंस। तो इस शाप के लिए मैं कारण नहीं हूँ, आप भी कारण नहीं है, ये दैव की इच्छा है, ये दैव इच्छा से मुझे ये शाप मिला है, ऐसे बोलते हैं, राइट। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड नेदर द लिविंग एंटिटी हिमसेल्फ नॉर अदर्स आर द कॉज ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। इस संसार में हमारे सुख दुख का कारण मैं नहीं या अन्य व्यक्ति भी नहीं है। बिकॉज ऑफ ग्रॉस इग्नोरेंस द लिविंग एंटिटी थिंक्स दैट ही एंड अदर्स आर द कॉज। अज्ञान के कारण आदमी सोचता है कि ये सुख दुख का कारण मैं हूँ या अन्य व्यक्तियों से सुख दुख मुझे मिल रहा है। जैसे अगर किसी ने कटु वचन बोल दिया आपके ऊपर, आप क्या सोचेंगे, ये मेरा दुख का कारण है, क्योंकि ये मुझे दुख पहुँचा रहा है, मेरे हृदय को उसने चोट पहुँचाया है, तो हम ऐसे दोषी ठहराते हैं किसी को। और यहाँ पर चित्रकेतु महाराज दुर्गा माता को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो इसका रूट कॉज क्या है, ये भौतिक चेतना जो है वो सुख दुख का मेन कारण है, अज्ञान मेन कारण है, राइट। सो अज्ञान के कारण आदमी ये गुणों के प्रभाव में आकर अलग अलग कार्य करता है, जिसके कारण उसको सुख दुख मिलता है। सद असत प्रकृति क्रियमाणानि भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगस्य सद असत योनि जन्मसु। ये संगों का जो कारण है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण का वो जो संग है, कारणम गुणसंगस्य सद असत योनि जन्मसु। सत मतलब अच्छा शरीर, अच्छा जीवन, असत मतलब प्राणी जीवन या असुर जीवन, तो उसका कारण जो गुणसंग है, राइट। तो इसलिए चित्रकेतु महाराज किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, पार्वती माता को भी नहीं। अब ये सेम जो कॉन्शियसनेस है, आप देखेंगे धर्मराज जब एक वृषभ के रूप में थे पहला स्कंद में, कली उनको मार रहा था, तो परीक्षित महाराज आके पूछते हैं तुम्हारा कष्ट का कारण कौन है। तो धर्मराज बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि कष्ट का कारण उनका कर्म है, कुछ लोग बोलते हैं कष्ट का कारण कोई और है, या ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, राइट। और फाइनली बोलते हैं कि हमारा दुखों का कारण को हम समझ नहीं सकते कि कहाँ से दुख आ रहा है, राइट। सम से इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टन व्हाट इज़ द कॉज ऑफ वन सफरिंग। तो परीक्षित महाराज ऐसे शब्दों को सुन के उनको पता लगता है कि ये साधारण वृषभ नहीं है, ये कोई महापुरुष है, कौन हो तुम। तब उनको पता चलता है कि ये धर्मराज धर्म है, साक्षात धर्म एक बैल का रूप लेके वहाँ पे आए हैं, और जो पृथ्वी
वो गाय का रूप लेके वहां पे आई थी, दोनों को कली मार रहा था। तो धर्मराज ने धर्मराज को कली उनके सामने मार रहा था, फिर भी धर्मराज उनको दिखा नहीं रहे कि ये मेरा कारण दुख का कारण है, नहीं दिखा रहे थे। धर्मराज बोले मेरा दुख का कारण ये भी नहीं, वो भी नहीं, कोई भी नहीं, वो इट्स डिफिकल्ट टू असर्टन हु इज द कॉज ऑफ माई, वो जानना बहुत कठिन है कि मेरा दुख का कारण क्या है, ऐसे उत्तर देते, राइट। सो इट्स डिफिकल्ट। तो इसलिए हमको भी समझना चाहिए, अगर किसी भक्ति के कारण हमको कुछ दुख लग रहा है तो उनको दोषी मत ठहराओ। हमारा दुख का कारण कुछ और हो सकता है, वो निमित्त बन रहा होगा, वो जो दुख उन, मतलब अगर उसने कटु वचन बोल दिया तो हमारा जो दुख हमको मिलना है उसका वो निमित्त बन गया है बस, उनको दोषी मत ठहराइए, अपराध हो जाएगा। सो दिस व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस सेक्शन। चित्रकूट महाराज वो भी बोल रहे हैं, गुण प्रवाहे तस्मिन् क शाप को अनुग्रह क स्वर्गो नरक को वा किम सुखम दुखम एव वा। बहुत सुंदर श्लोक है। दिस मटेरियल वर्ल्ड रिजेंबल्स द वेव्स ऑफ कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग रिवर, देयरफॉर व्हाट इज अ कर्स, व्हाट इज फेवर, क शाप कौन अनुग्रह, राइट। शाप मिल गया तो क्यों दुखित बनना है, अनुग्रह मिल गया तो क्या क्यों हर्षित होना है। मटेरियल शाप एंड मटेरियल दुख ब्लेसिंग दे आर, व्हाट इज यूज ऑफ दैट, राइट। इट डजंट मैटर ओनली लाइक दैट हिस्टरी। क स्वर्ग नरक कुआ, और नरक और स्वर्ग उनमें क्या अंतर है, सब कुछ तो भौतिक ही है। किम सुखम दुखम एव वा, इतना चिंता क्यों करने का सुख और दुख के लिए, ऐसे चित्र तुम्हारा जहाँ पे बोलते हैं। क्योंकि ये जो भवसागर में गुण प्रवाह है तस्मिन, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, क्योंकि गुणों के प्रभाव से वो अपना जो सुख दुख मिलना है वो फिक्स्ड रहता है और मिलेगा ही, हम उसको बंद नहीं कर सकते। जब हम पैदा होते हैं तो जो प्रारब्ध, राइट, हमारे जो कर्म का संचित कर्म है उससे हमको थोड़ा प्रारब्ध दिया जाता है, और उसमें इतना परसेंटेज सुख इतना परसेंटेज दुख वो फिक्स्ड रहता है, वो आएगा ही, कोई भी हो वो दुख सुख आएगा ही, वो फिक्स्ड रहता है। और वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, किसके मुखांतर आएगा वो पता नहीं कल, वो हमको पता नहीं, वो आएगा। इसलिए जब सुख दुख आता है तो किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, खुद के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एडो गुणों के प्रभाव से वो आता रहेगा, काल के प्रभाव से आता रहेगा। जैसे कोरोना चल रहा है, कोई रोक सकता है इसको, गुण प्रवाह ये तस्मिन कह शाप कौन अनुग्रह, राइट। ये गुणों के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, काल के प्रभाव से गुण एक्टिवेट होते हैं और गुणों के प्रभाव से वो अलग अलग सुख दुख मिलता रहता है, राइट। तो ऐसे हमको समझना चाहिए। और अब ये चला जाएगा कुछ महीनों में, और फिर शांति आएगा, फिर दुख आएगा, फिर शांति आएगा, ऐसे चलता रहता है, ये गुणों का प्रवाह है। तो इसलिए हमको ज़्यादा विचलित टेंशन नहीं लेना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए भक्ति करने के लिए, मगर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, राइट। तो भगवान का शरण लेना चाहिए। तो चित्रकूट महाराज ने भी यही किया, क्या किया, भगवान का शरण में चले गए। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज वन, एक सृजति भूतानि, भगवान आत्मा है। तो ये भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हो, एक ही है आदमी जो सृष्टि करता है वो है भगवान। एक सृजति भूतानि, भगवान आत्ममाया, उनके आत्ममाया से वो सृष्टि करते हैं। येषां बंधम च मोक्षम च सुखम दुखम च निष्कल, राइट। कहते हैं सो द लॉर्ड इज अनअफेक्टेड बाय द कंडीशंस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, मगर भगवान ही एक है जो ये जो गुण प्रवाह से परे है, वो गुण प्रवाह से प्रभावित नहीं होते हैं। ही क्रिएट्स ऑल द कंडीशंड सोल्स बाय हिज ओन पर्सनल पोटेंसी, बिकॉज ऑफ बींग कंटेमिनेटेड बाय द मटेरियल एनर्जी द लिविंग एनर्जी इज पुट इनटू इग्नोरेंस एंड दस
इनटू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ बॉन्डेज, राइट। सो जो जीवात्मा ये माया प्रभाव से भगवान को भूल जाता है तो भौतिक गुणों से वो प्रभावित हो जाता है, और भगवान कभी गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं, राइट। समटाइम्स बाय नॉलेज द लिविंग एंटिटी इज गिवन लिबरेशन। सिंस सत्वगुण एंड रजोगुण ही सब्जेक्टेड टू हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, तो गुणों के प्रभाव से सुख दुख में, सत्वगुण में है तो सुख अनुभव करेगा, रजोगुण में है या तमोगुण में है तो दुख का अनुभव करेगा, मगर जब वो शुद्ध सत्व स्तर पे आ जाएगा तो ये सुख दुख के प्रभाव में नहीं रहेगा, ये बिकम ट्रांसेंडेंटल, राइट। एतद् ईशानमीशस्य प्रकृतिस्तोपि तद्गुणैः न युञ्जते सदात्मस्थैः यथा बुद्धि तदाश्रय। जैसे भगवान ईश्वर गुणों के प्रभाव में नहीं है, वो हमेशा गुणों के परे रहते हैं, वैसे ही जिनका बुद्धि भगवान में लीन है वो भी गुणों के परे रहते हैं, दे ऑल्सो रिमेन ट्रांसेंडेंटल। तो ये हमको समझ सकते हैं। तो ऐसे चित्रकेतु महाराज और कुछ लोग बोलते हैं और कहते हैं कि सो आपने जो भी श्राप दिया है मैं उसको, अतः प्रसाद्ये नत्वं शाप मोक्षाय भामिनी यन मन्यसे हि असाधुक्तं मम तत् क्षम्यतां सति, राइट। ओ मदर, यू आर नो अननेसेसरली एंग्री एट मी, बट सिंस ऑल माई हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर डेस्टिनेड इन माई पास्ट एक्टिविटीज, आई डो नॉट प्लीड टू बी एक्सक्यूज्ड और रिलीव्ड फ्रॉम योर कर्स। आप मेरे ऊपर क्रोधित हैं मगर मैं और आपने मेरे शाप दिया है, मैं शाप का निवारण नहीं चाहता हूँ, राइट। आई डो नॉट प्लीड टू बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस कर्स। ऑल द वॉट आई हैव सेड इज नॉट रॉन्ग, प्लीज लेट वॉट एवर यू थिंक इज रॉन्ग बी पार्डन। अगर आपको कुछ आपने कुछ मेरे व्यवहार के कारण और जो भी मैंने बोला है उसके कारण आपको कुछ आपको गलत लग रहा है तो मुझे क्षमा कीजिए, क्षमताम सती, ऐसे क्षमा मांगते हैं और चुप हो जाते हैं। तो क्या किया चित्रकेतु महाराज ने, हाथ जोड़ के नम्रता से उनके चरण पे पड़े और इतने मीठे वचनों से उनको शांत किया, सती का क्या दुर्गा माता का क्रोध को शांत किया, राइट। और एक रेस्पॉन्स हो सकता था, आपने मुझे शब्द दिया मैं भी आपको शब्द देता हूँ, दक्ष एक में हुआ ऐसा, दक्ष ने शिवजी को इतना अपमान किया, शिवजी शांत बैठे थे और जब पता चले कि ऐसे अपमान हो रहा है, वो तो समाधि में थे पता भी नहीं था, जब आँख खोल के देखे कि ऐसे बहुत अपमान हो रहा है तो वहाँ से उठ के चले गए, मगर उनके जो अनुयायी थे नंदी वो सहन नहीं कर पाए, तो उसने शाप दिया दक्ष को, और दक्ष ने इनको, दक्ष के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनको शाप दिया, नंदी और शिवजी के अनुयायियों को ऐसे शाप, काउंटर कर्सिंग बहुत, इट बिकेम वेरी सीरियस इशू, राइट। तो उसके कारण किसी का मूछ चला गया, किसी का दाढ़ी चल गया, किसी का आँख चला गया, किसी का दांत टूट गया, राइट। फिर झगड़ा हुआ ना बाद में, झगड़ा हुआ तो ये सब हो गया। तो और यहाँ पे वेरी पीसफुली रिजॉल्व हो गया क्योंकि एक भक्त ने नम्रता से व्यवहार किया, राइट। तो चित्रकेतु महाराज से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमको क्षमा का याचना करके अन्य दूसरे भक्त को शांत करना चाहिए, उसका दुख शांत करना चाहिए, क्रोध को शांत करना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि हम अगर जब हम क्रोधित होएंगे तो दूसरों से ये व्यवहार हम एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं। पहला चीज़ है कि हमको दूसरे के ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए, राइट। और उन दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा हमको जो भगवद्गीता का जो श्लोक है 17th अध्याय में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, ये जो कैसे बोलना चाहिए भगवान ने हमें सिखा रहे हैं, मीठे वचन बोलना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, वो प्रिय होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, राइट।
और शास्त्र के आधारित होना चाहिए। तो ऐसे वाणी को हमको बोलना चाहिए, राइट, कटु वचन बोलना नहीं चाहिए। अगर अकस्मात किसी ने हमारे ऊपर कटु वचन का प्रयोग किया तो कैसे रेस्पॉन्स होना चाहिए वो हमको यहाँ से सीखना चाहिए, राइट। एक उदाहरण था चित्रकेतु महाराज का, मैंने इधर तीन और उदाहरण लिखे थे। परीक्षित महाराज, उनको भी शाप मिला श्रृंगी से, जो शमिक ऋषि का पुत्र था, 7 दिन में आप मर जाएंगे। तो परीक्षित महाराज का रेस्पॉन्स क्या था? वो गए नहीं और शाप नहीं दिया उनको, रिवर्स। परीक्षित महाराज में भी ताकत था उतना, वो भगवान विष्णु के, उनका नाम था विष्णुराट। विष्णुराट मतलब जिन्होंने, विष्णु ने उनका रक्षा किया, वो विष्णुराट, उनको पावर था और उन्होंने काउंटर कसिंग नहीं किया, उन्होंने शाप स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो, मैं अपने गृहस्थी से अटैच्ड हूँ, अपने आप में कब छोड़ूंगा पता नहीं, मगर ये जो शाप है निर्वेद रूपो, निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो, ये जो ये ब्राह्मण का जो शाप है ये मेरा विरक्ति का कारण बन गया है। तो बहुत ही इज वेरी ग्रेटफुल, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि जो भी शाप है, जो तक्षक है, जो भी है, वो आने दो, मुझे ढसे, मैं मर जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं भगवान का ध्यान करूँगा, अभी गंगा तट में जाके सब कुछ त्याग करके उधर बैठ जाऊँगा और साधु संतों के सहायता से मैं भगवान को याद करूँगा, ऐसे प्रतिज्ञा करके उधर बैठ जाते हैं। ऐसे वो ये शाप को स्वीकार करते हैं और उधर शमिक ऋषि को बहुत बुरा लगता है, अरे क्यों शाप दिया मेरे बच्चे ने, महाराज परीक्षित महान महाभागवत है, बचपन से डिवोटी है, उनको शाप दिया इसने, अरे राजा को शाप दिया इसने, राजा मर जाएगा तो प्रजा का क्या होगा, थोड़ा सोचना चाहिए ना, ऐसे राजा कहाँ मिलेंगे, ऐसे महान राजा कहाँ मिलेंगे। तो ऐसे शमिक ऋषि अपने बच्चे को डांटते हैं और शमिक ऋषि के हृदय में भी बहुत दुख होता है और उनको परीक्षित महाराज के सामने आके मुंह दिखाने का भी उनको संकोच होता है कि कैसे मैं मुंह दिखाऊं। तो उधर ही खड़े खड़े भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्षमा कर दीजिए मेरे बच्चे को, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो परीक्षित महाराज, दूसरा उदाहरण अम्बरीश महाराज, जब दुर्वास मुनि उनको उनके ऊपर क्रोधित हो गए, तुमने मुझे खिलाया नहीं पहले खा लिया, अतिथि को अतिथि देवो भव, पहले अतिथि को खिलाना चाहिए, बाद में जो ग्रस्त है उसको खाना चाहिए, तुम पहले खा लिए, ये कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने एक राक्षस को उत्पन्न किया अपने जटा से और उनको मारने का प्रयत्न किया और अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के भगवान को स्मरण कर रहे, बस गुस्सा भी नहीं हुए, उन्होंने भी ऐसे अस्त्र नहीं को सुदर्शन था उनके पास, उन्होंने उसको ऑर्डर भी नहीं दिया कि जाओ मार दो उनको, भगवान ने अम्बरीश महाराज के रक्षा के लिए सुदर्शन को नियुक्त किया था, ऐसे भागवत में वर्णन आता है। ऐसा नहीं कि उस भगवान ने छोड़ा सुदर्शन उस टाइम, नहीं, सुदर्शन ऑलरेडी था वहाँ, ऐसे आचार्य बोलते हैं। तो सुदर्शन अपने आप वो राक्षस को मार दिया और दुर्वास मुनि के पीछे भागने लगा। दुर्वास मुनि हर पूरा दुनिया घूमते हैं, फिर मैंने बताया था कुछ दिन पहले कहानी। और अम्बरीश महाराज शांत थे, उन्होंने रिवेंज नहीं लिया, राइट, और उनके हृदय में कुछ भी जो रिवेंज हिंदी में क्या बोलते हैं, बदला लेने का मूड उनके हृदय में नहीं था, राइट। तो हमने तो भक्तों का उदाहरण लिया, अभी भगवान का उदाहरण लेते हैं। 10वें स्कंद में 10:89, 8 and 9, ओके, कैंटो 10 चैप्टर 89 श्लोका 8 and 9, देखिए भगवान का व्यवहार। भृगु मुनि ये त्रिमूर्तियों को टेस्ट करने के लिए जाते हैं, पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को के पास जाने के बाद वो प्रणाम नहीं करते, राइट। कई वरिष्ठ भक्त के सामने आएंगे या पिताजी के सामने आएंगे तो प्रणाम करना चाहिए, तो यहाँ पे प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने थोड़ा गुस्सा हो गए,
क्या बच्चे इतना घमंड, पिताजी के सामने प्रणाम नहीं करता? तो उन्होंने भृगुमुनि ने समझ लिया पिताजी गुस्से में है, क्योंकि उनके आँखों से पता चल जाता है, और कोई आदमी गुस्से में है ना तो आँखों से उनके उनके चेहरे से पता चल जाता है गुस्से में, क्योंकि फेस इज द इंडक्शन ऑफ द माइंड, जो मन में है वो चेहरे में दिखता है, उसको हम हाइड नहीं कर सकते। तो शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी भी इधर तो शिव जी को वो मतलब कटु वचन बोलते हैं, हे तुम इतना गंदे हो, सांप को पहन के रखते हो, नहाते नहीं, इतने भूतों के साथ रहते हो, गंदा, ठीक सांप नज़दीक मत आ। शिव जी जाके आलिंगन करना चाहते थे, तुरंत भृगुमुनि बोलते नहीं मत आओ, शिव जी को क्रोध आ जाते, त्रिशूल निकालते मारना चाहते, पार्वती बोलते मत मारो तुम्हारा भाई है, मत मारो इसको, तो शिव जी थोड़ा शांत हो जाते, तो भृगुमुनि समझ जाते ये भी गुस्से वाले आदमी है। तो फिर जाते हैं विष्णु के पास, शयानम श्रिय उत्संगे, तो विष्णु शयानम सो रहे थे योग निद्रा में, लक्ष्मी जी की मतलब लैप में वो सर रख के सो रहे थे, तो अपने पत्नी के लक्ष्मी जी के इसमें थाइस पे सो रहे थे। श्यानम श्रिय उत्संगे पाद वक्षस, पाद वक्षस्य अताड़यत, वक्ष मीन्स चेस्ट, तो भृगुमुनि जाके चेस्ट के ऊपर लाफ मतलब क्या बोलते हैं किक करते हैं, ठोकर मारते हैं, अताड़यत, तत उत्थाय भगवान, भगवान उठ जाते हैं, ऐसे जब हुआ तो भगवान उठ जाते हैं, सह लक्ष्म्या सदाम गति, लक्ष्मी के साथ उठ जाते हैं, स्वदल्पात अवरुह्याथ ननाम शिरसा मुनिम, ननाम मतलब प्रणाम करते हैं मुनि जी को, भृगुमुनि को, समझिए अगर किसी ने आके आप आपकी छाती के ऊपर ऐसे ठोकर मारा क्या करेंगे, फिर अपना कराटे किक निकाले नहीं, यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ननाम शिरसा मुनिम, आहते स्वागतम ब्रह्मन, आपका स्वागत है वैकुंठ में, निशीदा निशीदात्रासने क्षणन, तो उसका मतलब क्या है, प्लीज सेट, आसन के ऊपर बैठिए, तो उनको अतिथि सत्कार कर रहे हैं यहाँ पे, जब अतिथि आते हैं तो पहले बोलते हैं बैठिए, पानी पीजिए, राइट, ऐसे ये सत्कार होता है, राइट, और मीठे वचन बोलना, स्वागत करना, पूछना कि आप कैसे हैं, आपका जर्नी कैसा था, राइट, तो भगवान ऐसे करें, निशिदात्रासने क्षणम अजानतम आगतान वह क्षंतुम अर्हता न प्रभो, वो बोलते हैं वेलकम ब्राह्मणा, प्लीज सिट ऑन द चेयर एंड रेस्ट अ वाइल, काइंडली फॉरगिव अस डियर मास्टर फॉर नॉट नोटिसिंग योर अराइवल, आप आ गए हैं यहाँ पे मगर हमको पता नहीं चला कि आप आ गए हैं, कृपया हमको क्षमा कीजिए, हरे कृष्णा ये भगवान का व्यवहार है, वैष्णव सदाचार भगवान दिखा रहे हैं यहाँ पे, राइट, और बोलते हैं पुनः ही सह लोकम माम, हमारा लोक पवित्र हो गया अब यहाँ पे आ गए, जैसे साधु संत घर में आते तो बोलते हैं कि हमारा घर पवित्र हो गया आपके पाद स्पर्श से, भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं आप महान साधु मुनि हैं, हमारा जो वैकुंठ पवित्र हो गया है, लोकपालां शमद्गतान, सारे लोकपाल सारे लोक पवित्र हो गए हैं, पादोदकेन भवता तीर्थानाम तीर्थकारिणा, आपका जो चरणामृत है, जो वैष्णव के जो ब्राह्मणों के चरण धोआ हुआ पादोदकम जो होता है उसे तीर्थानाम तीर्थ भी तीर्थ हो जाते हैं, पुण्य हो जाते हैं, अद्याहम भगवल्लक्ष्म्या आसम एकांत भाजनम वत्सयत उरुसी में भूतिर भवत्पाद हताम हस, वो बोलते हैं
I have become the exclusive shelter of the goddess of fortune Lakshmi. She will consent to reside in my chest because your foot has rid it of sins. आपका जो पाद मेरे वक्षस्थल पे स्पर्श हुआ है उससे मेरा वक्षस्थल पवित्र हो गया है और यहाँ पे लक्ष्मी जी रहना चाहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। हरे कृष्ण। सो फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुस्तन मंद्रया गिरा निरतस्तर्पितस्तूष्णीं भक्ति उत्कंठ अश्रुलोचनः। Bhrugu felt satisfied and delighted to hear the solemn words spoken by Lord of Vaikuntha. Overwhelmed with devotional ecstasy, he remained silent, his eyes brimming with tears. ऐसा वचन सुन के भृगु मुनि के आंखों में आंसू आने लगे। ऐसे होता है वैष्णव व्यवहार, भगवान सिखा रहे हैं कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, राइट? सो तो ऐसे व्यवहार करने से भक्तों का वो जो क्रोधित व्यक्ति है उसका हृदय भी पिघल जाता है, उसका हृदय में भी भक्ति जागृत हो जाते हैं। जय विजय यहाँ पे कुमार के साथ ऐसे व्यवहार किया तो क्या हुआ, कुमारों के हृदय में भी वो नम्रता आ गया और उनके हृदय में भी भक्ति प्रकट हो गया। तो ऐसे वैष्णव सर्कल में हमारा इंटरेक्शन ऐसे होना चाहिए जिससे दोनों का भक्ति वृद्धि हो, ना कि अपराध करते बैठे, राइट? राइट, कभी कभी फ्रिक्शन हो जाता है तो उसको भी वैष्णव मूड में सदाचार के साथ हमको सॉल्व करना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। वो जो भी इंसिडेंट है उसको बड़ा चढ़ा के दूसरों को बोलना, उसके ऊपर पीछे उसके पीछे कुछ बोलना, इसके पीछे कुछ बोलना, उसके बारे में कुछ बोलना, इसके बारे में कुछ बोलना, ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रेंड हो जाता है और भक्ति में वृद्धि नहीं होता है, मन बहुत विचलित हो रहता है और भक्ति का और भगवान का प्रकाश हृदय में नहीं होगा। तो इसलिए तो सदाचार के साथ भक्तों के साथ हमको व्यवहार करना चाहिए। सो इन समरी भगवान यहाँ पे बोले कि अगर कोई कटु वचन का प्रयोग करता है आपके ऊपर तो पांच चीज़ें आपको देखना चाहिए। पहला है कि उनको अर्चना करो, उनको मेरी तरह आप समझो, भगवान की तरह उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए और मन में संतुष्टि होना चाहिए, उनके ऊपर कोई घृणा नहीं होना चाहिए। और स्मित सुध उक्षित पद्म भक्तरा हसन मुख से तो उनको शांत करना चाहिए और मीठे वचनों से वाण्यान राग कलया, मीठे वचनों से उनको प्रसन्न और शांत करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो भगवान बोलते हैं कि वो मुझे जीत लेगा, वो मुझे मोहित कर लेगा। अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को वश में करना है तो ऐसे हमारे भक्तों के साथ व्यवहार होना चाहिए, राइट? तो ये आज का लेसन था, राइट? तो आप लोग हमें भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी ये क्वालिटीज़ को दे पाऊँ। कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ, कभी कभी कुछ बोल देता हूँ, तो मैं भी सीखूँ कि कैसे अन्य भक्तों के साथ व्यवहार अच्छे से कर पाएँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। इसी श्लोक में है ना, श्लोक का खोलो, 11 मई धिया कंसिडर डिवोटेड टू बी लाइक मी, अर्चयंतः वर्शिप मी, वर्शिप द डिवोटी, उस भक्तों का अर्चना करो। तुष्यत हृदय, राइट? हृदय संतुष्ट होना चाहिए, ग्लैडेंड हार्ट। स्मित सुध उक्षित पद्म वक्त्रा, राइट? हसन मुख से उनका स्वागत करना चाहिए। और वाणी अनुराग कलया, श्लोक से ही। और ये सब करेंगे तो क्या होता है, हम उपाहृतस्तई ही, तई ही मीन्स वो लोग जो ऐसे व्यवहार करते हैं वो लोग मुझे जीत लेंगे। उपाहृतस्तई, बीइंग कंट्रोल्ड बाय देम, मैं उनके वश में आ जाता हूँ, ऐसे बोलते हैं।
हरे कृष्ण। हाँ excuse him, yeah. So there Lord wanted to teach another lesson. Right? If you are sitting on Vyasasana, don't be proud. Right? तो अगर वो प्राइड रहेगा, वो मद रहेगा मन में, अहंकार रहेगा, तो उसे कुछ सिर्फ शास्त्र का ज्ञान काफ़ी नहीं है, साक्षात्कार और ह्यूमिलिटी भी चाहिए। और वहाँ पे लीडर थे वो रोमर शंस होता, अगर वो भगवान का आदर नहीं करेंगे तो उनको भी क्षमा, मतलब उनको भी ये पनिशमेंट मिलेगा। राइट? मगर बाद में पढ़ेंगे तो उसी सेक्शन में आता है कि जो अन्य ब्राह्मण है वो बोलते हैं कि आपको पश्चाताप करना चाहिए, बलराम जी आप थोड़ा सारे तीर्थों में जाके स्नान कीजिए, पूजा कीजिए। मतलब वो भी है ना, नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो देयर, बिकॉज ब्राह्मण है, ही हैज बीन किल्ड, सो देन बलराम ऑल्सो गोज टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ, ऑल्दो ही नीड नॉट। हाँ, वो घास का तिनका लेके उनको मार देता ना रोमन शंस को, व्यास आसन पे उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, बैठे बैठे वो मर जाते हैं। सो देन ही ऑल्सो गोज, सो द लेसन इज दैट देर ऑल्सो, इवन इफ ब्राह्मण इज प्राउड और वॉट एवर, ही देर बलराम जी किल्ड हिम, बट स्टिल बलराम इज टीचिंग दैट ब्राह्मण्स हैव टू बी रेस्पेक्टेड, ही पर्सनली गोज फॉर अटोनिंग फॉर दैट ऑफेंस, इज टीचिंग दैट ब्राह्मण्स आर वेरी शुड बी ट्रीटेड विद हाई रिगार्ड। Yeah. You want to add something? As you said, the first place is Shiva, the first case called reported, where Lord Shiva didn't become angry. The Daksha's case is a shlep. So whereas the second case, Guruji, where the purpose was to establish Shiva is the Supreme. So that's why he reacted. He doesn't have to take his sense. And Acharya say that Shiva showed anger. Shiva is also transcendental. So how can he have material anger? He may have transcendental anger, but not material anger. But he expressed that anger just to prove he is coming to test who is supreme. I'll help him. Vishnu is the supreme, so he showed anger. Then Guru confirmed, okay, he is not supreme. So then he went to Vishnu. Then seeing the Vishnu's response, then he confirmed that he is supreme. Right? The greatness of a person is estimated by his ability to tolerate provoking situations. So that's how Bhrugumuni find out who is most tolerant, Lord Vishnu. So then he is prone to be Supreme Lord. Materialist. Akarodha Pramananda Nithyananda Ram Abhimana Shunyan. You don't have to become angry, no? If he is becoming angry, why should you become angry? We can deal in such a way that his anger will be subsided and then he will appreciate Krishna consciousness. Right? We should see with whom you are. So you have to bring out the best in others. So what, how you react will help him have to bring out the good in others. If you also become angry, he will become doubly angry. Then both, there is no end to that fight. Right? So you have to respond in such a way that it will bring out the good in others, not the worst out of others. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.